राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में प्रदेश के जेल प्रहरियों की ओर से शुक्रवार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया गया मेस का बहिष्कार सोमवार को भी जारी रहा। सोमवार को प्रहरियों के आंदोलन के दौरान एक महिला जेल प्रहरी की तबीयत खराब हो गई। आंदोलन स्थल पर महिला जेल प्रहरी गश खाकर नीचे गिर गई। इस दौरान साथी कर्मचारियों ने उसे हाथों हाथ उपचार के लिए राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। जानकारी के अनुसार वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ब्यावर सब जेल के सभी कार्मिक शुक्रवार से मेस बहिष्कार कर रहे हैं। सोमवार को सुबह 7 बजे करीब आंदोलन स्थल मौजूद 25 वर्षीय प्रहरी बीना पुत्री रामकिशोर मीणा निवासी जिला अलवर गश खाकर नीचे गिर गई, जिसे साथी कार्मिकों ने उपचार हेतु एकेश लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उसका सीसीयू वार्ड में उपचार जारी है। इसी प्रकार सोमवार सुबह 12 बजे करीब आंदोलन स्थल पर एक पुरुष जेल प्रहरी 55 वर्षीय किशनगढ़ निवासी नारायण पुत्र लालचंद पारिक की भी तबीयत खराब हो गई, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार हेतु राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहाँ पर उसका भी उपचार जारी है। से मांगी है वेतन विसंगति को लेकर, जो हमने मेस बहिष्कार कर रखा है उसकी आज चौथा दिन चल रहा है। उसमें हमारे एक बीना मैडम है MW, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी 7 बजे, तो उसको अमृतकोर हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस बुला के उसको एडमिट करवाया गया। उसके बाद अभी जस्ट हमारे हेड साहब है नारायण जी पारिक SW, जिनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तो उनको जस्ट 108 एम्बुलेंस बुलाकर उनको यहाँ एडमिट करवाया गया है। मैं उनको लेके आई हूँ, इनको ब्यावर के अमृतकोर हॉस्पिटल है उनमें लाके इनको एडमिट करवाया, इनका वो इलाज चल रहा है।